गुजरात सर। के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? चलो मजामा छे? फाइन। तारी साथे कौन कौन से? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે। હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ। અને મમ્મીનું? બિજલબેન। તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે, એ વાત સાચી છે? હું કઈ ઝઘડ કરતો નથી, માનું છું। अच्छा मंत्र, ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था, मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलेट हैं, और एथलेट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ और आपके जैसा बन सकता हूँ, और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आ जाओ, मैंने चाय पी लेता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा, मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गांठिया जलेबी, समोसा, जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र सर? ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गांठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। और चाय भी पिलाएंगे आप बोले तो? आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही अच्छी बातें बताई।